फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू सिकंजी पाउडर। तो गर्मियां बहुत पड़ रही है, सिकंजी पीना किसको पसंद नहीं है, सबको सिकंजी पीना बहुत पसंद है। लेकिन अब बात ये आती है कि सिकंजी बनाए कौन, उस चीनी को घोलना उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो मैं बना रही हूँ आज सिकंजी पाउडर, जिससे कि तुरंत ही घोलो और ठंडा पानी डालो और पियो। तो उसके लिए हमें बनाना है चीनी, लेना है चीनी और नींबू। तो चीनी को हमें बनाना है पहले नींबू की चीनी। तो नींबू की चीनी बनाने के लिए हमें चाहिए नींबू। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नींबू का रस। तो ये मैंने नींबू लिए हैं, इनका हम जूस निकालेंगे। और ये हम चीनी को हम इसके बड़े बर्तन में डाल देंगे। और अब निकालेंगे हम लेमन जूस। इस टाइप से हम सारे लेमन का जूस निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेमन का जूस निकाल लिया। तो अब ये सिकंजी पाउडर बनाने के लिए जूस का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो ये मैं इसको इस कप में छान लूंगी। जूस में बीज नहीं होना चाहिए। ये देखिए कि एक कप जूस लेमन जूस है। तो जरूरी नहीं है कि मेजरमेंट कप हो, घर में कोई भी कटोरी या कप लेकर आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो ये एक कप जूस के साथ मैंने लिया है। तो ये एक कप जूस है, तो मैंने चार कप चीनी ली है। चीनी वो है जो नॉर्मल सबके घरों में होती है, वो चीनी है। अब ये एक कप जूस है और चार कप चीनी है, और ये एक कप जूस को इसमें चीनी में मिला देंगे इस टाइप से। ये देख के आप घबराइएगा नहीं कि चीनी मेल्ट हो जाएगी। अब इस चीनी को हम इसे पंखे में सुखाना है, गर्मियां बहुत पड़ रही है, पंखे में सुखा देंगे इसको। तो ये दो या तीन दिन में चीनी सीख जाएगी। इसको हर दो तीन घंटे के बाद हमें इसे हिला देना है, इस चीनी को इस टाइप से। मैं इसको दो घंटे बाद आपको दिखाऊंगी इस टाइप से। अब इसे हमें पंखे की हवा में रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी में मैंने नींबू का रस डाल के रखा था, वो इस टाइप से।
मिनटों में हो गई सिकंजी तैयार। अब आप चाहे तो इसमें, आपको पसंद हो तो इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, इससे सिकंजी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें लगा देंगे ये लेमन का स्लाइस, और ये लीजिए सिकंजी तैयार। और इसमें डालेंगे आइस, अब इस पाउडर को हम किसी भी एयर टाइट प्लास्टिक के या कांच के जार में हम भर कर रख सकते हैं।